राहतगढ़ के वार्ड नंबर 5 में चली तलवार और लाठियां, 2 गंभीर घायल सागर रेफर। आज सागर जिले के राहतगढ़ थाना इलाके में एक जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने के कारण जिला चिकित्सालय सागर रेफर किया गया है। मामला राहतगढ़ थाना इलाके के वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर आज आरोपी जुबेर को घायल आबिद ने अपने घर के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करने से मना किया था, तो आरोपी और उसके परिजनों ने तलवार और लाठियों से आबिद के घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें आबिद और उसका भाई इरफान, माँ और उसकी बहन घायल हो गईं, जिन्हें पुलिस ने सामुदायिक अस्पताल भिजवाया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद आबिद और इरफान को सिरवा हाथों में गंभीर चोटें होने के कारण जिला चिकित्सालय सागर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी जुबेर, सानू, सोहिल व एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नंबर 5 में आबिद खान है, जो वो अपने घर पे बैठे हुए थे, उनमें किसी वाद विवाद पर से ये 4 लोग आए, इन्होंने उनके घर में घुस के मारपीट की, इससे उनको और एक उनके भाई को गंभीर चोटें आई और साथ में उनकी माँ और बहन को भी चोटें आई। तत्काल ये थाने पर आए, इन्होंने इनको अस्पताल लेके गए। अस्पताल में इनको ज़्यादा चोट होने से ये 2 व्यक्ति, जो आबिद और आबिद का भाई इमरान, इनको सागर रेफर कर दिया गया है और इनकी माँ की तरफ से रिपोर्ट लिख ली गई है धारा 307, 452, 294 अन्य IPC में। तो इसमें आरोपी कितने हैं? इसमें आरोपी टोटल 4 हैं, 3 नामजद, 1 अज्ञात में। सर, इसकी वजह क्या रही विवाद की? ये इसके परिवार को काफी तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। जुबेर नाम का एक आरोपी है, इसमें आए दिन इसके घर पे अपशब्द बोलना और परेशान करना, जिससे इसके परिवार में जो घर में रहने वाले जो माता बहनें हैं, ये काफ़ी परेशान थी और उसी बात पे आज इसने मना किया आबिद ने कि ऐसी हरकतें ना की जाए, तो उन्होंने एक राय होकर के इसकी मारपीट की।